नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि पंजाब नेशनल बैंक में जब भी आप एनईएफटी आरटीजीएस कराने जाएंगे तो उसका फॉर्म आपको किस तरीके से भरना है एक लाइव डेमो के साथ। सबसे पहले आप कुछ चीजों का ध्यान रखिए। जब भी आप एनईएफटी आरटीजीएस कराने जाएंगे तो आपके पास कुछ चीजें होना चाहिए, जैसे जिस भी अकाउंट में आप एनईएफटी आरटीजीएस करा रहे हैं उस बेनिफिशियरी का नाम, उसका अकाउंट नंबर और उसका उस ब्रांच का आईएफएससी कोड जहां पर उसका अकाउंट है। अमाउंट कमीशन के साथ आपको पता होना चाहिए जो कि ब्रांच में आपको पता चल जाएगा, और एक चेक आपके पास होना चाहिए। आइए हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हमको एनईएफटी आरटीजीएस की स्लिप भरनी है। आपके सामने पंजाब नेशनल बैंक का एनईएफटी आरटीजीएस फॉर्म है। आइए हम एक एक करके देख लेते हैं कि इसको आपको किस तरीके से भरना है। सबसे पहले आप यहाँ पर शाखा का नाम भर दें, जैसे मेरी शाखा शिवगंज में है तो मैं शिवगंज भर दूंगा। फिर आज की डेट मुझे यहाँ भर देनी है, मेरे 27 तारीख का आज की डेट है। मैं एनईएफटी कराना चाहता हूँ 25,000 की, तो मैं 25,000 पे टिक कर दूंगा। अब आ जाइए आपके, अब यहाँ पर आपको यहाँ पर 25,000 यहाँ पर भी आपको अमाउंट लिखना है। कि एनईएफटी द्वारा अंतरित करें, यानी कि मैं यहाँ पर 25,000 25,000 लिखकर कि मेरा एक एनईएफटी कर दिया जाए। अब इसके बाद यहाँ पर मुझे डिटेल में लिखना है। सबसे पहले मुझे यहाँ पर जिसको भी मुझे वो पैसा भेजना है मुझे उसकी डिटेल्स यहाँ पर लिखनी है। उसका नाम मुझे यहाँ लिखना है जिसको भी मुझे ये भेजना है। फिर यहाँ मुझे दोबारा वही अकाउंट नंबर कंफर्मेशन के लिए लिखना है ताकि मैंने कुछ गलती ना कर दी हो। फिर यहाँ पर मुझे ब्रांच बेनिफिशियरी की बैंक का नाम लिखना है। बेनिफिशियरी का बैंक आईसीआईसीआई बैंक है, उसका मुझे यहाँ पर कोड लिख देना है। ये बेनिफिशियरी का, और यहाँ पर मैं अब 25,000 रुपये ट्रांसफ़र करवाना चाहता हूँ। कमीशन मेरा 2 रुपये लगता है तो मैं दो तो मैं 25,000 2 रुपये का चेक बैंक में दूंगा। अब प्लीज़ डेबिट अकाउंट नंबर, यानी कि 25,000 2 रुपये मेरे अकाउंट नंबर, जो मेरा अकाउंट नंबर है 16 डिजिट का पंजाब नेशनल बैंक का, वो मुझे यहाँ पर एंटर कर देना है। और यहाँ पर मुझे यहाँ पर जैसे मैं चेक कर रहा हूँ तो चेक पर टिक करते हुए चेक 6 डिजिट का जो चेक नंबर होता है वो मुझे यहाँ पर लिख देना है। और फिर उसके बाद मुझे यहाँ पर अपने खुद के सिग्नेचर भी करने हैं। यहाँ पर नाम लिख देना है मेरा, एड्रेस लिख देना है सुमेरपुर, यहाँ मोबाइल नंबर मुझे डाल देना है। रिक्वेस्ट मैं 2 बजे यह रिक्वेस्ट दे रहा हूँ। तो ये तो आपका राइट हैंड साइड का हो गया जो कि आपको भरना है। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको ब्रांच का नाम भरना है, यहाँ डेट आपको फिलअप कर देनी है। यहाँ पर आप जैसे चेक डाल के रहे चेक कर सकते हैं, ₹25,000 का आप कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 25,000।
मैंने यहाँ पर योर सेल्फ लिख दिया, बाकी आप योर सेल्फ भी लिख सकते हैं और उस व्यक्ति का नाम भी लिख सकते हैं जिसके नाम आप NEFT RTGS ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये आपका पूरा फॉर्म तैयार हो गया, ये फॉर्म आप फिलअप करके इस तरीके से ब्रांच में दे सकते हैं और आपका RTGS हो जाएगा। पीछे आपको कोई डिटेल लिखने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप कैश में नहीं, अपने अकाउंट से डेबिट करा रहे हैं चेक के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो आप सोशल मीडिया पर शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें। धन्यवाद फ्रेंड्स।